2021 में 2022 में इंडिया में स्टार्टअप की वेव जाग गई है, जहां पर हर इंसान को एक स्टार्टअप करना है, घर से कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है। और ऐसा ही एक छोटा मोटा बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप छोटे से सेटअप से इस छोटा सा सेटअप एक ही सेटअप लगाकर 8 से 10 टाइप के अलग अलग बिजनेस कर सकते हो। मतलब आपका एक बिजनेस नहीं चला आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा नहीं चला तीसरा, तो ऐसे एक सेटअप से ही आप 8-10 टाइप के अलग अलग बिजनेस कर सकते हो, जिसमें आप मंथली घर से ये बिजनेस शुरू करके मिनिमम 15,000 रुपए से मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। तो इसी बिजनेस की पूरी डिटेल जानकारी लेने के लिए, A to Z जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ लखनऊ में क्रिएचर इंडस्ट्रीज में मिस सादिया मैम से मिलने। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। बेसिकली मैं सादिया शेख और मैं इस कंपनी का संचालन करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अनोखा बिजनेस लेकर के आई हूँ, जिसमें एक ही मशीनरी से आप एक ही सेटअप से 8 से 10 तरीके के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट क्या है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, कि अगर आप अपना छोटा सा एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, आप अपने टाइम में एक स्टार्टअप लेके आना चाह रहे हो कि जिसमें 8 से 10 तरीके के प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार सके, जिसका डिमांड आपके पास हमेशा रहेगा, तो जो भी आप इस मशीनरी से प्रोडक्ट को बनाओगे वो आपका मार्केट में सेल ही होना और 100% सेल होना है। कोविड में आपका FMCG का जो मार्केट है वो बहुत बूम पे है, और एक ऐसा ही बिजनेस हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमेशा बूम पे ही रहेगा। तो इस बिजनेस को आप घर के एक छोटे से रूम से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूं कि इससे प्रॉफिट कितना आप जनरेट कर सकते हैं, तो मंथली आप करीबन 10,000 रुपए से लेकर के अगर अच्छा स्टार्टअप आप करते हो तो 1-1.5 लाख रुपए तक भी आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो और सर, आगे हम ना पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको, जिसमें हम आपको सारी A to Z पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हमको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, सारी A to Z और जितने भी प्रोडक्ट्स मैम ने बोले हैं 8 से 10 टाइप के, वो एक एक प्रोडक्ट सब कुछ बना के भी दिखाएगी, पैक भी करके दिखाएगी, उसका प्रॉफिट भी सब कुछ मैम हमें बताने वाली है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उन सारी चीजों की सब कुछ दिखाने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। तो जो सबसे पहला बिजनेस है हमारा, उसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है चने की दाल। अब हम लोग अपने मटेरियल को मशीन के हॉपर में डालेंगे, अब मशीन ऑन करेंगे हम, मशीन ऑन करते ही इसमें ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से मटेरियल डाला, मटेरियल आपके चैम्बर में गया, चैम्बर में वो ग्राइंड हुआ और हमें हमारा बेसन प्रोवाइड हो गया। अब बेसन पैक करने के लिए ना इस तरीके की पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पन्नी आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाएगी, आप अपने ब्रांड की प्रिंट कराना चाह रहे हो तो वो भी हम आपको करा करके देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये पाउच हमारा 1/2 kg का है, और इस 1/2 kg में हम अपने बेसन को फिल कर रहे हैं। अब वेइंग मशीन से आपको वेट कर लेना है, आपको 250 ग्राम चाहिए आप 250 ग्राम वेट कर लीजिए, 1 किलो चाहिए 1 किलो वेट कर लीजिए, आप 5 किलो का पैकेट बनाना चाह रहे हैं तो आप 5 किलो का वेट कर सकते हैं। पैकिंग के लिए हम लोग इस बैंड सेलर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन एडजस्टेबल मशीनरीज है, जिसमें आप 10 ग्राम से लेकर के 5 kg तक पैक कर सकते हैं। अब ये दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पैक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बैंड सेलर से आपने सील किया हुआ है, इसने 1/2 इंचेस का एक बैंड बनाया हुआ है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। अब ये पॉलिथीन आपकी तब तक नहीं फटेगी जब तक आप इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे। अभी आप पॉलिथीन देख रहे हैं, आपको ऐसा बना बनाया पॉलिथीन मार्केट से अवेलेबल तो हो जाएगा, बट आपको MRP, बैच नंबर और आपको पैकेट नंबर एक अलग मशीन से प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी बैच कोडिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस मशीनरी में आप अपना MRP, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मेड डेट आप प्रिंट कर सकते हैं, और फिर इसको आप अपनी पन्नी पे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने प्रिंट किया हुआ है, इसका MRP, पैकेट नंबर और मेड डेट, ये आप इस मशीन से जो हमने दिखाई है आपको बैच कोडर मशीन, उस मशीन से प्रिंट करके आपको तब मार्केट में इसको निकालना है। मैम, इसमें अभी प्रॉफिट कितना होगा अगर कोई ये ऐसे पैकेट्स बना के बेचता है, 1 किलो के पैकेट्स बनाता है, तो पर केजी प्रॉफिट कितना होगा, 1 किलो के पीछे मुनाफा कितना होगा? जी, आप पर केजी प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, डिपेंड करेगा कि आप इसको कहाँ पे सेल कर रहे हो। आप इसमें 2 रुपए से लेकर के 8 रुपए तक प्रॉफिट मार्जिन पर केजी के पैकेट पे आप कमा सकते हो। दूसरे बिजनेस के लिए हमें इस तरीके की मक्का की जरूरत पड़ेगी। मशीन के साथ हम लोग आपको कुछ इस तरीके की जालियां देते हैं, जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है वैसे ही आप जाली इसमें लगा सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे इंजीनियर के द्वारा आपको दी जाएगी। इसे भी हम हॉपर में डालेंगे, और हॉपर में डाल करके इसका भी हम पाउडर बनाएंगे।
माल आपका चैम्बर में जाएगा, चैम्बर में जा करके वो ग्राइंड होकर के हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं मक्के का आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब इस तरीके का प्लेन मटेरियल आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा कि आप क्या मटेरियल फिल कर रहे हैं उसका स्टिकर लगा करके इसमें मटेरियल को फिल करके और उसे सील कर सकते हैं। हम आपको हर तरीके का पैकिंग दिखा रहे हैं जिससे आपको आइडिया आए कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस तरीके की प्लेन पॉलिथीन से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो अपने पॉलिथीन को आप अपने ब्रांडिंग से प्रिंट भी करा सकते हैं। ये हमारा मक्के के आटे का पाउच तैयार हो गया है। अब हम इसे बैच कोड लगा करके तैयार करेंगे और ये पूरी तरीके से फिर तैयार हो जाएगा सेल होने के लिए। तो मैम ये जब मार्केट में बिकता है तो कितना मुनाफा होगा जब हम लोग बेचेंगे इसको? देखिए मुनाफा की अगर मैं बात करूँ तो मुनाफा आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप उसे किस मार्केट में सेल कर रहे हो। अब इस मक्के के आटे को आप नमकीन वालों को भी सप्लाई कर सकते हो, आप पफ वालों को भी सप्लाई कर सकते हो और शॉप पे भी सप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ इसमें 10 रुपए से लेकर के आपको करीबन 15 रुपए तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा पर किलो के पैकेट पे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बिजनेस के लिए जिसके लिए रॉ मटेरियल यूज होगा आपका गेहूं। तो गेहूं के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गेहूं कहां कहां उपलब्ध हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर वही नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, इस गेहूं को हम हॉपर में डालेंगे और मशीन को ऑन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमने गेहूं हॉपर में डाला, हॉपर से गेहूं चैम्बर में गया, चैम्बर ने उसे पाउडर बनाने का प्रोसीजर कम्प्लीट किया। अब ये पाउडर हमें मिल गया है। अब देख सकते हैं इस पाउडर की क्वालिटी, इसमें आपको चोकर भी मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारी पत्थर चक्की में जो पिस्ता था हमारा पत्थर वो भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये बिना पत्थर चक्की का आटा है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। अब आप देख रहे हैं कि ये गेहूं के आटे को पैक करने के लिए ये एक पाउच है। अब गेहूं का आटा आप जानते ही हैं कि 1 किलो आधा किलो नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो गेहूं के आटे के लिए 5 किलो 10 किलो 25 किलो या 50 किलो का बोरा बनता है। ये हमारा 5 किलो का पैकेट है। अब हम इसको सेम मशीन में जिसमें अभी तक आपने सीलिंग देखी है सेम मशीन में आपको पैक करके हम दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। इसे हम बैंड सीलर से पैक करेंगे। अब इसमें हम लोग बैच कोड लगाएंगे और मार्केट में सेल करने के लिए इसे रेडी करेंगे। तो मैम अभी जैसे हम लोगों ने इसमें आटा पैक किया है तो अभी इसमें प्रॉफिट कितना होगा? आटे में आपका ये 5 केजी का आटा है, अगर मैं पर केजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, आप इसमें पर केजी 5 से 8 रुपए के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि इसको आप कहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। ये हमारा बाजरा है, ये हमारा चौथा बिजनेस है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये बाजरा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको होलसेलर के पास से ये मिल जाएगा या डायरेक्ट किसान से भी आप संपर्क करके इसे मंगवा सकते हो। अभी हमारा बाजरा आप देख रहे हैं ये कितना फाइन क्वालिटी में निकला हुआ है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब हम आगे इसे पैकिंग करेंगे सेम प्रोसीजर से जैसा कि अभी तक हमने आपको पैकिंग दिखाई हुई है। चलिए इसको पैकिंग की तरफ ले चलते हैं। इस तरीके के आप पैकेट्स को बना सकते हो, चाहे आप अपनी ब्रांडिंग का हो या नॉन ब्रांडिंग का हो, स्टिकर लगा करके बनाना हो तो आप उसे बना सकते हैं। और यहाँ पे साइड में आप इसे बैच कोट करिए और बैच कोट करके फिर आप इसे मार्केट में ले जा करके सेल कर सकते हो। मैम अभी इसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, मतलब बाजरे का जो हम लोग ऐसे पैकेट्स बनाते हैं तो 1 किलो के पीछे कितना मुनाफा हो? 1 किलो पैकेट पे आपको करीबन 4 से 5 रुपए तक मार्जिन आपको मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप उसे कहाँ सेल कर रहे हो। ये जो हमारा पांचवा बिजनेस है, अब इस बिजनेस के लिए हमें चावल की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब हम इसे डालते हैं अपनी हॉपर में और चावल का आटा तैयार करते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी रॉ मटेरियल आपको लेना है, कोशिश ये करनी है कि डायरेक्ट आप उत्पादकता से ले जो इसे उत्पाद कर रहा है इसका, या फिर ऐसे इंसान से ले जिसका मार्जिन बहुत लेस है। अभी चावल का आटा हमारा ग्राइंड हो चुका है सेम प्रोसीजर से चैम्बर में जा करके। अब आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी दिखाइए जरा। ये देखिए ये हमारा चावल का आटा है, इतनी फाइन क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। अब आप इसको बेचने के लिए किसी भी नमकीन वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ऐसे ही चावल के आटे को बेच सकते हैं। चावल का आटा कई सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी क्वालिटी एक बार देख लीजिए। अब इस तरीके से आप अपने चावल के आटे को पैक कर सकते हैं और सील कर सकते हैं पैकिंग मशीन से जैसा कि अभी दिखाया गया है। अब साइड में इधर आप बैच कोड कर दीजिए, बैच कोड एक्सपायरी MRP मेड डेट आप प्रिंट करके इसे मार्केट में आप इसे बेच सकते हैं। अभी पूरी मैम अभी मेन चीज आएगी प्रॉफिट की। हाँ, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, हम लोग जो चावल का जो आटा बनाते हैं तो उसमें पर केजी 1 किलो के पीछे कितना प्रॉफिट होगा? अब देखिए मैं अगर प्रॉफिट की बात करूँ ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि आप जानते हैं कि चावल हर तरीके का अवेलेबल है मार्केट में। आपको 20 रुपए केजी का भी मिल जाएगा, 15 रुपए केजी का भी मिल जाएगा और 80 रुपए केजी का भी मिल जाएगा।
चावल ज़्यादातर सस्ता इस्तेमाल किया जाता है जो 15 रुपये केजी के अकॉर्डिंग जाता है, और नमकीन की फैक्ट्री में अगर आप इसको बेचते हो तो पर केजी के अकॉर्डिंग आपको करीबन करीबन 8 से 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये हमारा 6th बिजनेस है धनिया। अब धनिया पाउडर फॉर्म में मार्केट में आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो आप इस मशीन से धनिया को ग्राइंड कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, और पाउडर बनाने के बाद इसकी आपने आपको पता होगा कि बहुत ह्यूज मार्केट है। आप इसको इजीली किसी भी होलसेलर के पास, बड़े रिटेलर के पास आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि धनिया कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल बारीक फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा इसे ग्राइंड करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसमें धनिया मिर्च हल्दी पीसते समय कि इंसान वहाँ पर खड़ा होकर के पीस नहीं सकता, ये इस मशीन में वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप इजीली कई सारे लोग वहाँ पर खड़े होकर इस धनिया को ग्राइंड कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं इसमें आपका स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट दोनों पैक हो सकता है। अगर आप ड्राई फ्रूट पैक करना चाह रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मसालों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम धनिया कुछ इस तरीके के पाउचेस में पैक करेंगे। ये पाउचेस आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे अपनी मार्केट को आप बना लोगे, आपका काम बढ़ जाएगा, तो आप इसे अपनी ब्रांडिंग का भी पाउच प्रिंट करा सकते हैं। अब देख रहे हैं ये हमारी सीलिंग मशीन पहली वाली पैकिंग मशीन से थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा लो बजट के लिए, जिनके पास उतनी बड़ी मशीन लेने का बजट नहीं है, वो एक छोटी सी मशीन को लेकर के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पाउच की क्वालिटी देख सकते हैं आप। ये मसाले का पैकेट है। मसाले का पैकेट आपका 1/2 केजी, 1 केजी और 5 केजी नहीं बिकता है। ये आपका करीबन 50 ग्राम, आपका 200 ग्राम और 250 ग्राम और 100 ग्राम ही मार्केट में केवल जाता है बिकने के लिए। ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे अभी एक जगह खाली है जो बैच कोडिंग के लिए है। अभी हम आपको यहाँ पे बैच कोड करके भी दिखाएंगे, और इसके बाद बैच कोड लगने के बाद फिर आपको ये पाउच पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। मार्केट में आप इसको ऐसे ही ले जाकर के सेल कर सकते हो। तो मैम इसमें प्रॉफिट कितना होगा अगर ऐसा एक एक पाउच हम लोग बेचते हैं तो? पर पाउच कितना प्रॉफिट होता है? अगर मैं धनिया के प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो धनिया में पर पैकेट की 50 ग्राम का अगर आप पैकेट कर रहे हैं तो एक पैकेट पे आपको करीबन 2.5 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होता है। बिकॉज क्योंकि ये केजी के हिसाब से नहीं आती है, तो ये आपको 250 ग्राम या 10 ग्राम या 100 ग्राम ही मार्केट में पैक करके ले जाना होगा। ये हमारा 7th बिजनेस है। अब इसे आप देख रहे हैं, ये हल्दी है। हल्दी को सभी जानते हैं मार्केट में, इसकी मार्केट भी जानते हैं सभी लोग। अब इसको कहाँ से हम ले सकते हैं ये भी आप जानते हो। डायरेक्ट किसान से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट होलसेलर या अच्छे रिटेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। अब इस हल्दी को पीसने का प्रोसीजर अलग होता है। बाकी सारे मसाले या बाकी सारे अनाज हमने इस हॉपर से ग्राइंड किए हुए हैं, लेकिन हल्दी को ग्राइंड करने के लिए हम सेकंड हॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हल्दी हमारी काफ़ी बड़े टुकड़ों में होती है। बड़े टुकड़ों में होने की वजह से हल्दी हमारे इस चैम्बर से नहीं जा सकती है, वो हमारे इसी चैम्बर से जाएगी। और पहला प्रोसीजर हम इस हल्दी को तोड़ने का करेंगे। हल्दी को हमें 2 बार ग्राइंड करना पड़ता है। पहले थोड़ा सा मोटी जाली लगा करके ताकि वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, और दूसरी बार उसका फाइन पाउडर बनाने के लिए हमें बारीक जाली का इस्तेमाल करना होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि पहले हमने इसको कैसे मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। हमारी जो हल्दी है वो काफ़ी मोटी दिख रही है, दरदरी दरदरी दिख रही है। अब इसको हम फाइन पाउडर बनाने के लिए एक नंबर जाली का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको बिल्कुल फाइन पाउडर, टेलकम पाउडर बन के मिल जाएगी। आइए देखते हैं। अभी सेकेंड टाइम हमने ग्राइंड कर लिया है हल्दी को। अब आप हल्दी की क्वालिटी को देखिए। ये देखिए, एकदम फाइन टेलकम पाउडर हल्दी आपको मिल गई है। ऐसे छोटे छोटे से पैकेट्स में हम लोग हल्दी को पैक करेंगे अपने ग्रामेज के अकॉर्डिंग, कि हमें कितना ग्राम लेके जाना है, 400 ग्राम लेके जाना है, 40 ग्राम लेके जाना है, या 100 ग्राम लेके जाना है। इस तरीके के पैकेट्स हमने पहले ही स्टिकर लगा करके तैयार कर लिए हैं। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको आपकी ब्रांडिंग के स्टिकर को प्रिंट करा करके हम आपको देंगे। सेम प्रोसेस से हम लोग अपनी हल्दी को भी सेम पाउच में पैक करेंगे। देखिए, हमने हल्दी के 100 ग्राम के पैकेट्स को तैयार कर लिया है। हल्दी भी बाकी मसालों की तरह ही 100 ग्राम 250 ग्राम तक ही बिकती है। वैसे ज़्यादातर ये सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 ग्राम ही जाती है। अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, तो अगर आप अलग अलग पाउचेस बना रहे हैं, मान लीजिए अगर 40 ग्राम का पाउच बना रहे हैं, तो 40 ग्राम में अराउंड अराउंड आपका 5 रुपये का मार्केट में जा रहा है, जिसमें 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अलग अलग पाउचेस पे आपका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होगा। जो हमारा 8th बिजनेस है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो हमारी सूखी मिर्च है। इसका आप पाउडर भी बना सकते हैं, और मार्केट में आपने देखा होगा इसका चिली फ्लेक्स भी बनता है। तो आप इस मशीन से ये दोनों ही बिजनेस कर सकते हो। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाती हूँ। अब इसको ग्राइंड करने के लिए सेकंड चैम्बर का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसका भी शेप बड़ा है हल्दी के हिसाब से,
तो इसको हम इसमें डाल करके ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये मिर्ची का पाउडर है हमारा, कितना फाइन बना हुआ है। अब इसको हम पाउच में पैक करेंगे, ये सेम प्रोसीजर से इसको पैक करेंगे, बैच कूट करेंगे और मार्केट में सेल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। ये आप देख सकते हो, मिर्च के पैकेट तैयार हो गए हैं। अभी हम इस पे साइड में बैच कोट करेंगे, ये आप देख लीजिए। मैम इसका मुनाफा कितना होगा अभी? इसका मुनाफा की अगर मैं बात करूँ, पर पैकेट 30 ग्राम का पैकेट है आपका, 30 ग्राम पे करीबन आपका 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता है आपका। जो अलग अलग आटे हम लोगों ने बनाए थे, अब इसको हम एक साथ मिला करके ग्राइंड कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा मल्टीग्रेन आटा चलता है, जो इस समय काफी डिमांड में है। आप इन सारे अनाज को मिला करके ग्राइंड कर सकते हैं और मल्टीग्रेन का पैकेट बना करके 5 kg का आप बेच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था, 5 kg का हमने आटे का पैकेट बनाया था, वैसा आप मल्टीग्रेन का पैकेट बना करके बैच कोड लगा करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर मैं उसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, तो एक पैकेट पे जो आपका 5 kg का पैकेट है, उस पे करीबन आपको 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता है। अब सोचिए कि जैसे कि आपको इस तरीके के पैकेट नहीं बनाने हैं, आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ ये चक्की हमारी लेकर के, जैसे कि जगह जगह पे आटा चक्कियां होती हैं, लोग किराए पर लोगों के अनाज को पीसते हैं, तो आप आटा चक्की का भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इससे। तो उसमें मुनाफा कितना होगा? मुनाफा की अगर मैं बात करूं, पर केजी के अकॉर्डिंग आपको 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होता है। डिपेंड करता है आप किस एरिया में है, इसका प्रॉफिट मार्जिन एरिया के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। और मैम अभी मेन बात इस प्रोडक्शन की, तो ये कितना प्रोडक्शन करेगी, मतलब हम लोग 1 घंटे में कितना किलो मसाला बना सकते हैं, पूरे दिन में कितना किलो मसाला बना सकते हैं, या फिर आटा पीस सकते हैं? देखिए, अब क्या है ना कि डिपेंड ये करता है कि आपको किस कैपेसिटी की मशीन चाहिए हमारे पास। अभी जैसा कि ये चक्की आप हमसे देख रहे हैं, ये हमारी 5 HP सिंगल फेज की चक्की है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप अनाज ग्राइंड करते हैं तो 40 से 42 kg 1 घंटे में आपको ग्राइंड करके देगी, और अगर मसाले ग्राइंड कर रहे हैं तो करीबन 30 से 32 kg आपको ग्राइंड करके प्रोवाइड करेगी। आपके बजट के हिसाब से हमारे पास और भी काफी छोटी मशीनरी की रेंज है। मैं अगर 5 HP सिंगल फेस की बात करूं, तो इसको 3 kW का कनेक्शन चाहिए। 3 kW का मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट, 8 रुपए के हिसाब से 24 रुपए आपका बिजली का खर्च आता है इस मशीन में। इसके लिए आपको किसी भी कमर्शियल बिजली की नीड नहीं है। आपके घर में जो भी 3 kW का कनेक्शन है, अगर आप छोटी सी एक आटा चक्की आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने घरेलू कनेक्शन से इसकी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपना ग्राइंडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मशीन आपको लगेगी। इससे छोटी कैपेसिटी में भी मशीन है, आप अपने बजट के हिसाब से हमसे मशीनरी ले सकते हैं। और ग्राइंड, अगर मैं पैकिंग मशीन की बात करूं, तो पैकिंग मशीन में कई सारी रेंज आएगी हमारे पास, आप अपने बजट के हिसाब से पैकिंग मशीन हमारे से ले सकते हैं। आप इतने से एरिया में अपने बिजनेस के स्टार्टअप कर सकते हो। तो हमें छोटे से सेटअप से बिजनेस शुरू करना है, तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह क्या लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। अगर आप इस तरीके से अपने पाउच की ब्रांडिंग करा रहे हैं, या अपने पाउच पे स्टिकर लगा रहे हैं, तो आपको एक फूड लाइसेंस, जिसे फसाई लाइसेंस बोला जाता है, वो लेना होगा। और फसाई लाइसेंस लेने के बाद आपको एक GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आटा चक्की, अपनी छोटी सी आटा चक्की स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी लाइसेंस की नीड नहीं होगी। तो मैम अभी हम लोगों ने देखा 8 से 10 टाइप के अलग अलग बिजनेस देखे, और अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने बना के हमारे व्यूअर्स को दिखाए, प्रैक्टिकली दिखाए कैसे पैक करना है। बट मेन चीज आती है ना, मार्केटिंग की आती है, माल सेल करने की आती है। तो उसकी कोई टिप वगैरह होगी कैसे सेल करना है माल, तो वो जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताना चाहूंगी मैं। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट आपकी लाइफ टाइम से ही रिलेटेड हैं आपकी। तो आप जब घर से बाहर अपने निकलोगे, आपको हर एक शॉप पे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट एज अ सैम्पलिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराना है, और 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे जाकर के उनका फीडबैक लेना है। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका सैम्पलिंग कराइए, बड़े होलसेलर के पास ले जाइए, उनको दीजिए, और वहीं से ही आपको कोशिश ये करनी है, उनको मार्जिन थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करना है और अपने आप को थोड़ा सा कम, बिकॉज बेचने वाले वही होंगे। और एक चीज और, एक मेन पॉइंट ये है कि सबसे अच्छा आपको फोकस ये करना है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बेसिक सी चीज है, आप जान रहे हो। पैकिंग मटेरियल भी हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर को किसी भी जगह पे जाना नहीं पड़ता है। मैम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी टोटल, अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है, घर से शुरू करना है, तो इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि कस्टमर का बजट कितना है। हम कस्टमर को 20,000 रुपए से भी स्टार्टअप देते हैं और 20 लाख रुपए का भी स्टार्टअप देते हैं। हाँ जी, हमारे पास आपको अलग अलग रेंज मिल जाएंगी कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग।